आईएनएक्स मामले में सराखों के पीछे चिदंबरम। सोनिया और उनके सगे संबंधियों पर अब क्या गिरेगी गाज? क्या कांग्रेस को ले डूबेगा करप्शन का कल्चर? कई और नेताओं पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार। आईएनएक्स मामले में सलाखों के पीछे भेजे गए कांग्रेस के मजबूत नेता पी चिदंबरम के बाद अब दूसरे नेता टेंशन में हैं। पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से लेकर निचले स्तर के कई नेताओं पर अब अपने अपने केस में गाज गिरने का डर सता रहा है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर चिदंबरम की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस के दिग्गज नेता क्यों उनके साथ होने का दम भर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी की। साल 2011 के नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उनके बेटे राहुल गांधी और कई दूसरे नेता लपेटे में हैं। इन नेताओं पर आरोप है कि इन्होंने 1938 में बनी एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड नाम की कंपनी के साथ धोखाधड़ी की है। ये कंपनी नेशनल हेराल्ड, जगजीवन और कौमी आवाज नाम से तीन अखबारों का संचालन करती थी। साल 2008 में तीनों अखबार बंद हो गए। इस अखबार पर बकाया राशि की 90 करोड़ की जिम्मेदारी कांग्रेस ने अपने सिर ली। पार्टी ने बड़ी ही चालाकी से यंग इंडियन कंपनी बनाकर एसोसिएटेड कंपनी को 90 करोड़ का लोन दे दिया। यंग इंडिया कंपनी में पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने 76% की हिस्सेदारी अपने पास रखी। आरोप है कि पार्टी ने ये सब दिल्ली के आईटीओ में स्थित हेराल्ड हाउस की 1600 करोड़ रुपए की बिल्डिंग को कब्जाने के लिए किया। सोनिया गांधी और उनके राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी पर अगस्ता वेस्टलैंड वीआईपी हेलीकॉप्टर खरीद घोटाले का आरोप लगा है। ये मामला अगस्ता वेस्टलैंड कंपनी से 36 अरब रुपए के 12 वीआईपी हेलीकॉप्टर खरीदने से जुड़ा है। इस केस को बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने पिछली मोदी सरकार में उठाया था, जिसके बाद सदन में जमकर हंगामा हुआ था। साल 2016 में सदन में फ्लोर टेस्ट से पहले बागी विधायकों को खरीदने के लिए घूस के आरोप में उत्तराखंड के एक्स सीएम हरीश रावत भी सीबीआई के रडार पर हैं। इन पर आरोप है कि अपनी सरकार बचाए रखने के लिए इन्होंने बागी विधायकों को अपने पाले में रखने के लिए मोटी रकम की पेशकश की थी। साल 2010 से लेकर 2013 तक एनआरएचएम के तहत एम्बुलेंस खरीदने में करोड़ों की धांधली का मामला सामने आया। करोड़ों की एम्बुलेंस खरीद में कार्ति चिदंबरम, राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित कई लोग आरोपी बनाए गए। आरोप है कि एम्बुलेंस खरीदने के लिए जो टेंडर जारी किया गया उसमें करोड़ों की हेराफेरी की गई थी। हिमाचल के पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह पर आरोप है कि उन्होंने आय से अधिक संपत्ति बनाई। साल 2015 में जब वो अपनी बेटी की शादी के बाद विदाई कर रहे थे, उसी दौरान उनके घर सीबीआई ने रेड मारी थी। पूरे देश में इस रेड की गूंज सुनाई दी थी। वीरभद्र सिंह पर आय से अधिक संपत्ति जुटाने का आरोप लगा था। सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा को फायदा पहुंचाने के लिए हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी जमीन सौदे में गड़बड़ी के आरोप लगे थे। हरियाणा के नूह निवासी सुरेंद्र शर्मा की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था। इस मामले में नियमों का उल्लंघन करके डीएलएफ कंपनी को 5000 करोड़ रुपए का लाभ पहुंचाने का आरोप लगा था। वैसे कांग्रेसी नेताओं पर आरोप की फेहरिस्त यही खत्म नहीं होती। कांग्रेस के कद्दावर नेता जगदीश टाइटलर से लेकर डी शिव कुमार तक कई लोग आरोपियों की लिस्ट में शुमार है। हालांकि आईएनएक्स मामले में चिदंबरम की गिरफ्तारी के बाद अब इन नेताओं को अपने अपने केस में गिरफ्तारी का डर सताने लगा है। इससे पहले पीएम मोदी भी जमानत पर बाहर घूम रहे नेताओं पर चुटकी ले चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स।